sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't give a. You stepping on me and that karma, mama, touch you better than that. You're mad. I guess you're mad. So guys, finally, आज बख्तियारपुर से निकल रहे हैं जीईसी भोजपुर आरा. तो फाइनली पैकिंग सब देख रहे होंगे, है ना. उसके बाद फाइनली आज लास्ट डे है ना. रूम पूरा फाइनल इस तरह से देख सकते हैं. पूरा पैकिंग अब बढ़िया से हो गया है. तो फाइनली पूरा कंप्लीट कर गए हैं और इसके बाद निकलते हैं गाड़ी में, पिकअप में लोड करेंगे. उसके बाद फाइनली आरा भोजपुर. और एक तारीख से मेरा क्या उस जीईसी भोजपुर में फर्स्ट डे ऑफ, है ना, कॉलेज लाइफ इन जीईसी भोजपुर. एक तरफ समझे तो क्लासेस से स्टार्ट नहीं होगा वहाँ पर. एक तारीख से जो कॉलेज ओपन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, कैंपसशिप हो गया एक तारीख से. डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट ऑफिशियली नोटिफिकेशन एक तारीख से सब कुछ शिफ्ट. लेकिन दुख की बात है कि एक तारीख को ही एग्जाम है. एग्जाम से कॉलेज लाइफ अपना जीईसी भोजपुर में स्टार्ट करेंगे. और आरा में तो रूम खोजने में तो हालत ख़राब हो गया. फ्लैट तो बैचलर को देता ही नहीं है, किसी भी तरह मुश्किल से मिला. तो उसके बाद दो तीन दिन डिस्टर्ब, उसके बाद जाने आने में, वहाँ पर शिफ्ट होने में, डायरेक्ट एग्जाम में, समझ सकते हैं कहने की हालत बहुत बुरा है. तो फाइनली मेरा दोस्त बक्सर का ही हेल्प कर रहा है हमको. अनुराग आप मजदूर लीजिएगा सबसे पहले. देखिए निर्जा के सामान कितना है, 100 रुपया लग. तो ध्यान रख, अकेले रखता है इतना सामान. सो फाइनली गाइज कंप्लीटेड. और ये लास्ट डे समझे यहाँ अपने रूम पर. ये बख्तियारपुर का फ्लैट सुंदर था, है ना. तो अब आज के बाद बिल्कुल नहीं, है ना. तो ये अभी से कॉलेज जा रहा है लास्ट तक, है ना. अपना हेल्प किया हमको. सो बाय बाय. तो फाइनली कंप्लीट हो गया. तो भाई साहब पूरा लदा गया सामान ना. तो पूरा सामान लद दिया है. ये हमारा मालिक है, पूरा डील वुल सब कुछ यही किया. खाना पीना सब भार यही करेगा. अभी खुद का चलाया है दुकान पर, है ना. और फाइनली अविनाश बहुत मेहनत किया है. और उधर एक भाई साहब है, एक मिनट, जो बहुत मतलब पूरा सामान लोड यही किया है. ये देख लीजिए लेबर 500 मेरा बनता है एक दिन का, दे देना. हाँ, 500 इसका चार्ज हुआ है. और ये रास्ता में से ले लीजिए. मालिक है, खाना खिलाएगा पूरा मालिक, पूरा डील. हाँ, ये भी एकदम मालिक की तरह आया है. हम नहीं किया है, सबसे ज्यादा अनुराग किया है, अविनाश किया है. अरे हाय. तो फाइनली सब कुछ कम्प्लीट है. और बाबा तो फाइनली गाइज निकल रहे हैं, है ना. देख सकते हैं बख्तियारपुर वी मार्ट के पास है. और निकलेंगे, चले सब फाइनली बाय बाय करके जाइए. आप लोग फ्रेंड जाएगा. हम दो, हम अनुराग पिकअप से जा रहे हैं, है ना. अनुराग को पूरा आइडिया है पूरा सामान किसका लोडिंग किया है. तो इसी का पूरा रिस्पॉन्सिबल है ना, जिम्मेदारी. हाँ, बाय बोलो. तो बख्तियारपुर फाइनली छोड़ रहे हैं ना. अच्छा आप बताइए, इतना सामान है सारा ले जाकर अपने घरे उतार दे तब. हाँ, साला का 20 आदमी का सामान है, समझ सकते. पूरा इंजीनियरिंग भार में चल जाएगा उसका पूरा. सारा घरे उतारेंगे अपना, एक जगह उतारेंगे. तीनों आदमी कॉम्प्रोमाइज करके की ड्राइवर जब भेज देंगे. क्या बोलते हैं, एक जगह उतार दिया जाए. हाँ, एक जगह रखेंगे और पूरा बेच देंगे फाइनली. कोई अच्छा, काम नहीं किया, सब सामान ला दिया. लादने का काम जो बीटे का बचा है खर्चा ना. हाँ, सारा निकल जाएगा, इसको उतार दे अपना घरे. तो हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, विश्वास किया है तो हम उसको भरोसा. आई लव बख्तियारपुर. बाय बाय बख्तियारपुर. बाय बाय बाय. बाय कर दीजिए, बाय करिए.
बाय। ओ सो प्राग, अब नहीं आना है ना। फाइनली देख लीजिए बख्तियारपुर का नजारा, अब निकल पड़े हैं। तो गाइस अभी चाय पीने के लिए रुके थे एक हवा पर, है ना। चाय का टेस्ट क्या अच्छा था, एवरेज था उतना, मतलब के है ना। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ प्लान करेंगे ऐसे। तो फाइनली पान के लिए रुके हुए हैं, तो पान खाइएगा अनुराग। पान खाएंगे तो निकल गए फतुआ से डायरेक्ट। चलो आगे देखते हैं पटना में। सो गाइज अभी बेटा में है और अनुराग हमको जरा बड़ी जोर से भूख लग गया है, तो बहुत टाइम लग रहा है, गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, तो कभी न कभी पहुंच जाएंगे। उसके कारण नॉट लेट हो अनुराग कॉल। इस कॉल का पानी बहुत बढ़िया है, मतलब पटना में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि कल का पानी इतना टेस्ट दे रहा है ना। तो अभी हम बोतल में भी लेंगे, खत्म हो गया मेरा। फाइनली अभी बेटा पहुंचे हैं, प्यास लगा था, ये चापा कल गए, इतना बढ़िया टेस्ट पानी था ना, तो हम भर लिए हैं और देखते कब पहुंचते। बहुत टाइम लगा रहा है ड्राइवर, इतना स्लो है ना, इतना स्पीड तो ऑटो भी नहीं चलता है। दिखा दीजिए पिकअप, चूँकि रीजन बता दे रहे हैं, एक तो चक्का उक्का पूरा डैमेज है, फाइनली आरा तो पहुंच गए, लेकिन दुख की बात यह है कि नो एंट्री लग गया, जिसके कारण है ना यहीं पर रुक गया है। तो देखिए अभी छानबीन कर रहे हैं बहुत अफसोस से, 10 बजे से लगे हुए हैं, तो एकदम धीरे धीरे, वैसे भी इतना स्लो आ रहे थे, इसके बाद भी नो एंट्री पूरा पैकिंग है। तो पिकअप का मालूम भी नहीं है कि आरा में नो एंट्री लगता है कि नहीं लगता है, तो पहुँच गए आरा में, तो पहुँच गए हैं। बट देखिए किसी कारण भी बोल रहा है 9-10 बजे के बाद ही खुलेगा। तो आज फाइनली पहुंच गए कॉलेज के पास, देख रहे हैं ये हो गया रमना मैदान, और सामने देख रहे हैं आरा क्या है जंक्शन और वॉकवे। सो गाइस फाइनली है ना रूम पर पहुंच गए हैं, मत पूछिए हालत ख़राब हो गया है ना। आते आते ड्राइवर बकलोल मिल गए, पता नहीं मेरा दोस्त कौन पिकअप किया था, 6 घंटा लगा दिया बख्तियारपुर से आरा आने में, समझ सकते 6 घंटा बख्तियारपुर से आरा, हालत ख़राब हो गया। उसके बाद बोले ही थे नो एंट्री के चक्कर में रोक दिया, बिल्कुल आरा में नो एंट्री नहीं होता है कहीं पर, है ना। तो फाइनली कहाँ जा रहा है मन, खाना खाने जा रहा है, और मेरा तो हालत ही ख़राब है, मेरा पूरा सामान अरेंज करना है। तो पहले थोड़ा हम अपना फ्लैट घुमा देते हैं, ठीक ना। फ्लैट ये तो मुश्किल से मिल गया, उसे तो मिलना तो है नहीं, है ना, सोर्स से मिला है, बिल्कुल नहीं आराम में मिलता है। आराम में फ्लैट ढूंढना और भगवान से मिलना दोनों बात बराबर है, बैचलर को फ्लैट देता ही नहीं, पता नहीं कितना। तो ये है रहा, जिस तरह से समझिए सोर्स ही है, कैसा भी हो, ये अलग से भी इस तरफ एक जो गेटवा है ना, साइड से भी छोटा सा एक रूम है, तो फाइनली ये देख सकते हैं, ये सभी पूरा दोस्त पर लॉक कर दिया। ये रहा मेरा किचन, तो डिटेल्स में दिखाएंगे, और सामने जो देख रहे हैं वो दूसरा फ्लैट है ना, 3-4-5 आदमी मिलकर सब बुक कर लिए। तो फाइनली मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल्स बताएंगे। सो फाइनली हम इतना समझे कि अपना जेईसी भोजपुर कैंपस कल से जाएंगे, फाइनली आराम में पहुँच गए, शिफ्ट हो गए हैं बख्तियारपुर से आराम में। क्या इनके अभी तुरंत आए, तुरंत खाना बनाना चालू कर दिया,
हाँ भाई भूख बड़ी जोर से लगा, क्या कहे यार, खाने में इतना हालत खराब हो गया ना, और पिकअप वाला को तो लग रहा ड्राइवर इतना देर को 6 घंटा लगा दिया, तीन चार दिन से 2 दिन रूम ढूंढने में लग गया, मर गए हैं, कल परसों से एग्जाम है, उनको तो मालूम ही है। हाँ तो है। 2-3 दिन से खाना ठीक से खा नहीं रहे, आज भी नहीं खाएंगे, तो सब सामान वहीं पर था मेरा, ये पैक करते हैं, हम यहाँ पर निकाले हैं, 2 मिनट लगेगा बनाने में। क्या क्या बनाने का प्रोग्राम है? सब्जी चावल बनेगा।